ये लाइन भी सर, हर साल वर्ल्ड वाइड काफी सारे लोगों की जान ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने से, फॉल्ट होने से, इन सब चीजों से जाती है। सो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर फॉल्ट क्यों होता है, किन फैक्टर्स की वजह से ट्रांसफार्मर फॉल्ट होता है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। सो मैं 15 चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर फॉल्ट होता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो फर्स्ट नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो है माइनक्राफ्ट चिप। अब माइनक्राफ्ट चिप में क्या होता है, आज भी बहुत सारी कंपनीज में जो ट्रांसफार्मर है वो हाथों से बनाया जाता है, यानी कि उसकी जो डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको हाथों से किया जाता है, यानी कि उसकी जो कॉइलिंग है और उसकी जो फिटिंग है वो सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर की वो हाथों द्वारा की जाती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। अब इंसान थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, अगर वहाँ पे कोई गलती कर देता है तो उसकी वजह से आगे चल के जब उस ट्रांसफार्मर को कहीं पे अप्लाई किया जाता है तो उस ट्रांसफार्मर का फॉल्ट आ जाता है और नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़ मैकेनिकल इशू। अब मैकेनिकल इशू क्या होता है, मान लिया हमने किसी स्टेट से या फिर किसी अदर कंट्री से अपने ट्रांसफार्मर को मंगवाया है, अब रास्ते में आने जाने पे या उसको कहीं जर्क लग गया, काफ़ी झटका या रखने में उठाने में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका कोई भी पार्ट टूट गया, सो इस रीज़न की वजह से भी ट्रांसफार्मर फॉल्ट आ सकता है। नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो है मटेरियल इशू। अब मटेरियल इशू होती है मेनली कॉपर यूज़ होता है, कॉपर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज़ होता है। सो बहुत सारी कंपनीज जो है ना पुराने ट्रांसफार्मर का कॉपर को रिसाइकल करके उसका यूज़ कर लेती हैं और बहुत सारी कंपनी नया कॉपर यूज़ करती हैं। सो क्वालिटी पे बेस करता है कि आप किस क्वालिटी का ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें वहाँ पे डिज़ाइन की जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉपर्स मटेरियल का यूज़ किया जाता है जिससे कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस हो। सो अगर रिसाइकल कॉपर का यूज़ करें और नए कॉपर का यूज़ करें तो दोनों को कंपैरिजन में जो नया कॉपर यूज़ होगा वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा कंपेयर टू रिसाइकल वाले कॉपर के। तो नंबर फोर पे हम जिसकी बात करेंगे वो वाइंडिंग। अब वाइंडिंग करते टाइम जो हमारा कॉपर का वायर होता है वो प्रॉपरली एकदम सही होना चाहिए, एकदम स्लिम होना चाहिए। अगर उसमें बीच में कहीं पे मोड़ है या डैमेज है तो फिर उसकी वजह से भी फॉल्ट आ सकता है। जैसे कि मेरे पास एक वायर है, अब देख सकते हैं यहाँ पे एकदम स्लिम है और इसकी वजह से अगर इसको हम कोर पे डिज़ाइन करेंगे तो ये इजिली रोटेट हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ही कोई मोड़ आ गया हमारी वाइंडिंग पे तो इसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ सकता है। ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने का। सो फाइव नंबर पे चीज़ आती है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर लेयर। अब हर एक वाइंडिंग के बीच में एक इंसुलेटर लेयर होती है जिससे आपस में वो टच ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसुलेटर लेयर जो है वो ब्रेक कर जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है अंदर ही, और जब शॉर्ट सर्किट अंदर होता है तो फॉल्ट आना लाजमी सी बात है। नंबर पे चीज़ आती है मेंटेनेंस। अब भैया हर चीज़ की मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी होती है, वो आपकी चाहे कार हो या फिर आपकी बाइक हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, क्योंकि इस चीज़ों को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब भैया इंडिया में इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सा फोकस नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत सारे काम और होते हैं, इसलिए सब चीज़ थोड़ा सा लेट होती हैं, इस वजह से भी फॉल्ट आता है। सेवन नंबर पर चीज़ आती है वो थी हाई वोल्टेज की वजह से। अब मान लिया हमारे ट्रांसफार्मर में तीन फेज लगे हुए हैं, दो पे हाई वोल्टेज आ गया, एक पे हाई वोल्टेज नहीं आया। अब क्या होगा, हमारी जो दो वाइंडिंग होगी वो तो जल जानी है, बाकी एक वाइंडिंग बच जाएगी। अब ये कैसे होता है कि दो पे हाई वोल्टेज आ गया और एक पे नहीं आया, कभी कभी वायर रास्ते में लूज़ हो जाता है या फिर हमारा कनेक्शन जो होता है वो लूज़ होता है, ट्रांसफार्मर से जो ज्वाइंट कनेक्शन होता है वो लूज़ होता है, और इस लूज़ कनेक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पे ज़्यादा लोड और एक वाइंडिंग पे कम लोड होगा, इसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ सकता है। एट नंबर पे हम बात करेंगे कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे थ्री फेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है हमारे पास, तो वहाँ पे हमने तीन एरियाज़ को डिफरेंट डिफरेंट में सप्लाई दे दी। अब क्या हुआ, एक एरिया में ज़्यादा लोड हो गया और ट्रांसफार्मर के एक वाइंडिंग पे लोड बढ़ गया और दो वाइंडिंग्स पे लोड नहीं बढ़ रहा है लेकिन प्रॉपर सप्लाई मिल रही है। सो इस केस में भी क्या होगा कि एक वाइंडिंग हमारी जो है पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगी और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाएगा। नंबर पे हम जिसकी बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर का कूलिंग पर्पस। अब ट्रांसफार्मर के कूलिंग पर्पस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फैन, कूलिंग ऑयल और रेडिएटर्स, इन सब का यूज़ होता है। अगर इन सब में ज़रा सा भी फॉल्ट आता, यानी कि ऑयल की अगर क्वालिटी थोड़ी सी कम है या फिर लो लेवल का है, सो प्रॉब्लम आ सकती है। रेडिएटर के मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई सो फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि ऑयल जो है उसके अंदर से पास होता रहता है कंटिन्यू, अगर रास्ते में कहीं पाथ डैमेज हो गया तो इन सब चीज़ों से भी फॉल्ट आ सकता है। सो ये जो मेन पर्पस होता है, और फैन लगे होते हैं ट्रांसफार्मर में जिसकी वजह से कूलिंग होता है, जो बड़े ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, तो उन इन सब रीज़न की वजह से भी ट्रांसफार्मर फॉल्ट आ जाता है।
नंबर पे हम जिसकी बात करेंगे उससे पहले समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर ऐसी जगह पे लगा होता है जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे एनिमल्स तो आ जाते हैं। अब मान लिया टू फेज सप्लाई लगी हुई है और उस पर कोई एनिमल आके चला गया, यानी कि सांप आ गया, कोई बंदर आ गया दो फेज पे, वो खुद तो मरेगा लेकिन साथ में ट्रांसफार्मर को भी अच्छी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। सो ये भी एक रीजन होता है कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाता है एनिमल्स के जरिए। सो 11 नंबर पर हम बात करेंगे लाइटनिंग की। लाइटनिंग क्या है? जो आसमान से बिजली गिरती है। सो उसके लिए भी इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। जैसे ही पता चलता है कि बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने लगा, तब ट्रांसफार्मर का कनेक्शन को कट कर दिया जाता है ताकि सप्लाई ना हो, क्योंकि चलती हुई सप्लाई में लाइटनिंग का ज़्यादा खतरा होता है। और ट्रांसफार्मर क्योंकि एक अलग जगह पर लगा होता है और मेटल का होता है, सो उस पर जो लाइटनिंग है वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है और उस पर फॉल्ट आने के चांसेस हो सकते हैं। आप पूरा ट्रांसफार्मर भी काफ़ी तरह से फॉल्ट आ सकता है, या फिर उसका कनेक्शन आपके घर में है और उसकी जो सप्लाई वो सीधे आपके घर में ट्रांसमिट हो जाएगी, सो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और कई लोगों की जान भी जा सकती है इस रीज़न की वजह से। 11 नंबर पर हम बात करेंगे बशिंग्स की। अब बशिंग्स पे क्या होता है कि जो हमारा जो कनेक्शन आता है ट्रांसमिशन लाइन से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन सब पे हम कनेक्शन देते हैं और वो अगर लो क्वालिटी के हुए वो भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, उनकी वजह से भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ सकता है। नंबर पर हम बात करेंगे प्रॉपर फिटिंग की। अगर कोई चीज़ प्रॉपर फिट नहीं है, मान लिया कंजर्वेटर टैंक सही से नहीं है, अब क्लोजर रिले नहीं सही से सेट है, सो ये सब चीज़ अगर सही से सेट नहीं है तो भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ सकता है। 3 नंबर पे हम बात करेंगे कि मॉइस्चर। अब मॉइस्चर की वजह से ही फॉल्ट आ सकता है। मान लिया ठंडी का मौसम हो रहा है, ट्रांसफार्मर के ऊपर पूरी की पूरी आइस बन रखी है, तब भी फॉल्ट आ सकता है। सो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है ताकि ऐसे फॉल्ट ना आए। और भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर के रीज़न होते हैं, लेकिन ये बेसिक मेन रीजन्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। और ट्रांसफार्मर के जितने भी पार्ट होते हैं अगर कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर रहा है तो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है। और इसका एक वीडियो मैंने स्पेसिफिक वीडियो अपने चैनल पर डाला है, आप ऊपर आई बटन पर जाके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन, ये सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताइए, वीडियो को लेकर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh, 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 oh